पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का देवसर आगमन। सिंगरौली जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र के देवसर में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां सबसे पहले पत्रकार वार्ता में शामिल होकर पत्रकारों से सिंगरौली जिले की समस्याओं से रूबरू हुए और कांग्रेस सरकार बनने के बाद जिले की समस्याओं को दूर करने का वचन दिया। पत्रकार वार्ता के बाद ब्लॉक अध्यक्ष, सेक्टर कार्यकर्ताओं, मंडलम अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से संवाद कर उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट हो जीतने का मंत्र दिया। कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद कमलनाथ ने भाजपा सरकार के कुशासन, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ आयोजित विशाल जनसभा में शामिल हुए और जनसभा को संबोधित किया। अब हमने अपने मंडल सेक्टर बनाए, जिसकी मीटिंग में इसके बात कर रहा हूँ। हमारा चुनाव केवल बीजेपी से नहीं है, आपकी बात सही है, बीजेपी के संगठन से। और जब तक हमारा संगठन मजबूत है तब तक बीजेपी सफल रहती है। अभी मैं इसके बाद ही हमारे मंडल सेक्टर की मीटिंग, अभी दो दिनों पहले दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है, इसको आप कैसे देखते हैं? भीतरघात, अंतर्द्वंद, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसमें क्या हुआ इसमें ज्यादा पोस्टमार्टम करने की जरूरत है। सबसे बड़ा पोस्टमार्टम यह है कि हमारा संगठन बूथ लेवल पर राजनीति आज बहुत स्थानीय हो गई। ये अंतर है, कोई परंपरागत गांव नहीं बचा जो बीजेपी का है या कांग्रेस का है, कोई परंपरागत मकान नहीं बचा जो कांग्रेस का या बीजेपी का है। बाप बेटा, भाई भतीजा, चाचा चाची अलग अलग वोट डाले, और ये स्थानीय राजनीति हमें बचा। सरकार बनी तो सिंगरौली को क्या मिलेगा? सरकार बनी तो सिंगरौली को क्या मिलेगा? सिंगरौली के विकास का, सिंगरौली का जो धन है ये हमारी राजधानी है, हमारी ऊर्जा की राजधानी है। और जितना अन्याय मैं सोचता हूँ सिंगरौली के साथ हुआ है, जितनी राशि, जितना रेवेन्यू सिंगरौली राज्य सरकार को देता है, वो आज दाएं देखिए, बाएं देखिए, सामने देखिए, पीछे देखिए, आपको उस जो रेवेन्यू है सिंगरौली का, उसका आपको कौड़ी भर दिखाई पड़ता है? विश्वास व्यवस्था ले लीजिए, पीएचएन की व्यवस्था ले लीजिए, गवर्नमेंट से अधिक दूसरे देखिए, सबसे पहले जो जिला खरीद जिला है, जो जिला रेवेन्यू देता है उनका पहला अधिकार बनता है। हमारा जो फंड है, कोल माइन का फंड, कोल माइन का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो है, ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में कितना भ्रष्टाचार है, ये बांटा जाता है, इसका उपयोग होता है, कितनी कमीशन बढ़ जाए, क्या सुविधा, क्या सुधार के लिए भी बांटा जाता है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को बनाया जाता है, यहाँ का पैसा, सही कह रहे राहुल जी, यहाँ का पैसा तो शिवराज अपने क्षेत्र में नहीं जाते और यहाँ के लोग गुमराह रहते हैं, ये तो सच्चाई मैं आज बोलने वाला हूँ। सिंगरौली की केवल सबसे बड़ी समस्या नहीं है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। 70% का वादा, मैंने तो कहा था 70% का जो रिक्रूटमेंट होगी वो लोकल होनी चाहिए। हमारे नदियों का सत्यानाश, जहाँ देखो सत्यानाश, सत्यानाश और बर्बादी है, ये आप प्रदेश की तस्वीर। और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि ये चुनाव जो 5 महीने बाद है, ये केवल एक उम्मीदवार या किसी पार्टी का भविष्य नहीं कह सकेगा, पर मध्य प्रदेश का भविष्य है, हमारे नौजवानों का भविष्य, हमारे कृषि क्षेत्र का भविष्य, हमारे व्यवस्था का भविष्य तय करेगा। शिवराज सिंह जी अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, केवल वह तो शिलान्यास मंत्री, घोषणा मशीन, झूठ की मशीन, और इनको आखिरी 5-7 महीने 8 महीने में याद आई है, हमारी बहनें याद आई, आज इनको कर्मचारी याद आ रहे, आज इनको किसान याद आ रहे, क्योंकि ये सोचते हैं कि जनता को इस तरह का प्रलोभन देके जनता को गुमराह किया जाए, पर ये सब होने वाला नहीं है। हमने कर्नाटक में देख लिया, कर्नाटक में बजरंगबली से लेके पुलिस, पैसा, प्रशासन, और मोदी जी भी तो ऐसा चुनाव लड़ा जैसे कि वो मुख्यमंत्री।
बनने